आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आज हमारे यहाँ सुबह से हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं, तो आज हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारे यहाँ बारिश होगी। अभी वैसे मौसम इतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि अभी उमस भरी गर्मी हो रही है, तो शाम तक हो सकता है बारिश हो। तो कचौड़ी बच्चों का आज मन हो रहा था कि वो कचौड़ी खाएंगे, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ कचौड़ी कैसे बनाई जाती है। तो आप लोग हमारी रेसिपी को पूरा देखिएगा, और फ्रेंड्स रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने प्याज लहसुन और हरी मिर्च को काट लिया है, हरी धनिया हमने कट कर ली है, और ये आलू हमने बॉईल कर लिए थे और इनको छील दिए हैं। अब छीलने के बाद हम इसका बनाएंगे भरता। तो ये देखिए हम आलू को मैश कर रहे हैं हाथों से। तो हाथों से अगर आप मैश करेंगे तभी आपका भरता अच्छे से बनेगा, मैशर से अगर आप मैश करेंगे तो हमारा भरता उतना अच्छा नहीं बनता है, तो इसलिए हम हाथ से ही भरता बनाएंगे। तो हमने प्याज लहसुन और हरी मिर्च को डाल लिया है, हमने हरी धनिया को भी डाल दिया है, इसी आलू में मिला लिया है। अब हमने इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में हमने धनिया, जीरा और लाल मिर्च को अच्छे से भून कर पीस लिया है। तो ये मसाला हमारा है, इसमें हमने काले मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ जीरा, धनिया और लाल मिर्च ही हमने डाली है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और स्वादानुसार नमक। तो ये हम हींग लेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है हमें, दो चुटकी के बराबर हमें हींग डालनी है। तो हमने दो चुटकी हींग ले ली है। नमक हम अपने स्वादानुसार डालेंगे, अगर हमें ज़्यादा नमक पसंद है तो हम ज़्यादा डालेंगे, कम पसंद है तो हम कम नमक ऐड करेंगे। तो ये हम नमक भी डाल लेंगे। हमने दो तीन आलू निकाल लिए हैं क्योंकि छोटे बच्चे हमारे, जो हमारा बेटा है तो वो कड़वा नहीं खा पाता है, तो इसके लिए हमने दो ऐसे ही आलू रख लिए हैं। हम बाद में अपने बाबू के लिए दो चार कचौड़ी बनाएंगे जिसमें कि हम मिर्ची नहीं डालेंगे, तो वो हमने आलू निकाल के रख लिए हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एक में मिक्स कर लेंगे। बढ़िया सा हमारा ये भरता बनकर रेडी हो गया है। तो अब भरते को हम रख देंगे किनारे, और इसके लिए अब हम तैयार करेंगे आटा। तो ये हम आटा ले लेंगे। तो आपके घर में जितने लोग हैं आप उसी हिसाब से आटा ले लीजिए। तो ये हमने आटा अच्छे से छन्नी से छान लिया है, छानने के बाद हमने आटा को गूंथ भी लिया है। तो आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, हमें थोड़ा सा मीडियम ही रखना है, मुलायम आटा ही हम गूंथेंगे ताकि हमारी कचौड़ी अच्छे से बन सके। तो ये देखिए हम बहुत ही मुलायम मुलायम आटा गूंथ लिए हैं, और 10 मिनट के लिए हम रख देंगे आटे को। आटा जब हमारा अच्छे से फूल जाएगा तो हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे। ये हमने लोहे की कढ़ाई ली है, बहुत ज़्यादा वजन कढ़ाई नहीं है, ये हल्के तले की कढ़ाई है। तो हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम डालेंगे, अगर आप रिफाइंड से बनाना चाहें तो आप रिफाइंड तेल का यूज़ भी कर सकती हैं। तो ये हमने सरसों का तेल लिया है। तो हमारे जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इधर अपनी कचौड़ी भर लेंगे। तो ये देखिए हम कचौड़ी कैसे भर रहे हैं। तो हम ये हमने आटा ले लिया है और छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे आटे की, और इसको हम गोल गोल बना लेंगे। जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हमें बनाना है। हमने बहुत ज़्यादा थिक आटा नहीं किया है, हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मुलायम आटा है। और हम थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करेंगे आटे को और गोल गोल लोई का आकार देंगे। ये हम छोटे छोटे से गोले बना लेंगे। तो ये देखिए हम सभी जितने भी हमने लोई बनाई है सभी को हम गोल करेंगे और इसी में हम भरता भर देंगे। हम कचौड़ी बहुत ज़्यादा चटपटी बना रहे हैं। अगर आपको मिर्ची कम पसंद है, तीखा आप ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो आप मिर्ची कम डालिए। तो हमारे यहाँ सभी लोग कड़वा खा लेते हैं, तो इसीलिए हमने ज़्यादा मिर्ची ऐड की है। तो आप देखिए आप इसी क्रम से आपको आटे के अंदर ये भरता भरना है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही कचौड़ी बनाई जाती है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं कचौड़ी। और इसको देखिए बराबर से ऊपर सेट करना है, और जितना भी आटा हमारा बचता है ऊपर
ये देखिए हम गोला बना लेंगे और जितना बचेगा एक्स्ट्रा आटा उसको हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें बेलन नहीं लगाएंगे, हम बेलन की मदद से कचौड़ी नहीं बना रहे हैं, हम हथेलियों की मदद से ही कचौड़ी बनाएंगे। इस पे ये देखो हम किस तरह से इसको गोल कर रहे हैं, ऐसे ही आपको गोल गोल बना लेनी है। तो हम बेलन से नहीं बनाएंगे, तो हमने हाथ से ही इसको बनाया है। गैस का फ्लेम हमने बहुत स्लो कर दिया है, तो हम बना बना के रख लेंगे। जब हम दो चार कचौड़ियाँ इसी तरह से भर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ी भर लेंगे, जितने भी हमने बनाए हैं सारे बनाकर हम रख लेंगे। और इन सभी कचौड़ियों को हम गरम तेल में फ्राई करेंगे, अच्छे से पकाएंगे दोनों तरफ पलट के। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमारी कचौड़ी अच्छे से फूलने लगी हैं, और ये हमारी कुरकुरी कुरकुरी सी कचौड़ी पक रही हैं। तो हम इनको बहुत ही स्लो गैस पे पकाएंगे। जब हम धीरे आंच पे इसको पकाएंगे तो हमारी कचौड़ी अच्छे से पकेगी, और अगर हम इसको तेज आंच पे पकाएंगे तो हमारी कचौड़ी ऊपर से तो पक्की पक्की सी दिखाई देगी, लेकिन अंदर भरता और आटा अंदर का कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, धीरे धीरे से हम पकाते जाएंगे। और ये एक एक करके हम अपना सारा आटा हम बना लेंगे, सारी कचौड़ियाँ हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ पक गई हैं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। आप टिश्यू पेपर डाल लीजिए, हमारे पास टिश्यू पेपर नहीं था तो हमने पेपर ऐसे ही डाल रखा है। तो अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप टिश्यू पेपर डालकर किसी भी बर्तन में इन सभी कचौड़ियों को आप निकाल लीजिए तेल से। तो अब हम एक बार निकाल चुके हैं, अब हम दोबारा डालेंगे और इसी तरह से पका लेंगे। जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने पहले पकाया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, वैसे ही हम सारी कचौड़ियाँ स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। हमारी कचौड़ी पक रही है, अभी थोड़ी हमारी बाकी रह गई है तो हम इसको भी बना लेते हैं। और बच्चों के लिए हम बनाएंगे सादी कचौड़ी, मिर्ची कम डालेंगे तो बच्चों के लिए हमें अलग बनाना पड़ता है। तो अभी हमने बच्चों के लिए थोड़ा सा भरता बचा लिया है, तो अब हम बच्चों के लिए भी बनाएंगे। बच्चे अभी खाएंगे नहीं क्योंकि बच्चों ने नाश्ता लेट किया है, तो उनको अभी भूख नहीं है। तो ये देखिए हमारा ये है दही, दही के साथ हम लोग कचौड़ी खाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ी बन गई है, अभी थोड़ी बन गई है, थोड़ी बन रही है। तो हम गर्मा गर्म खाना परोस रहे हैं, तो ये हम खाना देने जा रहे हैं। तो ये देखिए हमने ये दही बनाया है, दही को हमने घर पे ही जमाया है। तो ये देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है, कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा दही है। तो ये दही हमने घर पे जमाया है, और हम दही के साथ कचौड़ी देंगे बच्चों को। तो आप देख रहे होंगे कि अभी हमारी कचौड़ी पक भी रही है एक तरफ से, और एक तरफ से हम गरम गरम खाना परोस रहे हैं। और अब हम खाना खिलाने जा रहे हैं, खाना देने जा रहे हैं।